अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसन वर है और सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम बात करने लगे हैं एक ऐसे टॉपिक की कि जो सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है। तो ये मैं पंजाब बोर्ड की बुक से कटिंग करके जो है वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिंध बोर्ड की बुक के अंदर सिर्फ इसका एक तारफ दिया हुआ है, छोटा सा, एक लाइन के अंदर या दो लाइन्स के अंदर। अदर देन दैट इसकी डिटेल नहीं है, जबकि पंजाब और फेडरल के अंदर जो है ये डिटेल में है। तो बायोटेक्नोलॉजीज पर 7 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से एम कैट के अंदर, तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी अगर ये PCR समझ आ जाए तो जीन सीक्वेंसिंग बहुत आसानी से समझ आ जाती है। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या? तो इसका जो नाम है उसके दो पार्ट्स हैं। पॉलीमरेज वाला जो हिस्सा है ये उस एंजाइम से लिया गया है जो एंजाइम DNA की कॉपीज़ बनाता है, जिसका नाम DNA पॉलीमरेज है। तो वो एंजाइम इसके अंदर इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं? जिस तरह आप उसके अंदर पढ़ते हैं फिजन रिएक्शन के अंदर, फिजन में ही होता है ना कि एक आप न्यूट्रॉन जो है ना वो फायर करते हैं यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो 3 न्यूट्रॉन जाकर फर्दर एक एक यूरेनियम को अटैक करते हैं, तो उससे फर्दर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि एक छोटा सा DNA का पीस होता है, सबसे पहले उसकी 2 कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, फिर इन 2 कॉपीज़ से 4 कॉपीज़ बनती हैं, फिर इन 4 कॉपीज़ से 8 कॉपीज़ बनती हैं। तो ये चेन रिएक्शन होता है, ये मुसलसल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। एक सिंगल DNA का सैंपल अगर आपके पास है तो आप उस एक DNA के सैंपल से उसी तरह की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं और बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। PCR जो है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारा DNA का पीस है, उसके अंदर भी आप अपने मर्जी के DNA के पीस की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। उसका रीज़न होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि PCR के अंदर DNA पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है, ये वो एंजाइम है जो आपने DNA की रेप्लिकेशन के अंदर भी देखा है। DNA जब खुलता है, DNA के 2 धागे जब खुलते हैं, तो ये वो एंजाइम होता है जो दोनों धागों के अराउंड एक एक नया धागा बनाता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो के अंदर तो नहीं बताया, चूँकि DNA रेप्लिकेशन सिंध बोर्ड के अंदर बहुत लिमिटेड था। मैंने अभी एक पेपर समझाया जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज का एक ड्रॉबैक ये है कि ये रेप्लिकेशन वाला काम स्टार्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरे पास डीएनए है और मैं इन दोनों धागों को अलग कर दूं, अब अगर मैं इसके ऊपर DNA पॉलीमरेज छोड़ भी दूं ना, तो DNA पॉलीमरेज जो है वो इसके अराउंड नया धागा नहीं बना सकता। कब तक नहीं बना सकता? जब तक इसमें ऑलरेडी छोटा सा पीस लगा हुआ ना हो, ठीक है। या तो ये DNA का पीस होना चाहिए छोटा सा, या फिर ये RNA का पीस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो स्टार्ट कर सके प्रोसेस। पॉलीमरेज क्या कर सकता है? कंटिन्यू कर सकता है, तो वो फर्दर ऐड कर सकता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये जो छोटे से पीसेस हैं DNA के, सिंगल स्ट्रैंडेड पीसेस हैं छोटे से DNA के, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर इस धागे के अंदर यहाँ पे एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, तो इस प्राइमर के अंदर क्या लगा हुआ, इस पीस के अंदर क्या लगा होगा? थायमिन लगा होगा, साइटोसिन लगा होगा, ग्वानिन लगा होगा, एडिनिन लगा होगा। तो ये जो पीसेस हैं शॉर्ट पीसेस DNA के, ये कहलाते हैं DNA प्राइमर्स। इस तरह के प्राइमर्स RNA के भी होते हैं जो रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं DNA के प्राइमर्स से। तो 2 चीज़ें हो गई जो कि हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर चाहिए होती हैं, एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम और दूसरा छोटे छोटे से सीक्वेंस चाहिए होते हैं हमारे पास। कितने लंबे सीक्वेंस? तकरीबन 20 बेसिस लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके? जो DNA आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं उसके दोनों तरफ के, यानी सिर्फ एक धागे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इन दोनों धागों के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब ये आकर यहाँ पर लग जाएंगे ये छोटे से पीसेस, तो इसके ऊपर जब आप DNA पॉलीमरेज छोड़ेंगे, अब वो इसे एक्सटेंड कर देगा, अब वो इसे पूरा कर देगा। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है इस पूरे प्रोसेस के लिए, वो चाहिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स वेरी ऑब्वियस, मैंने आपको कहा कि जब आप प्राइमर यहाँ छोड़ देंगे, प्राइमर यहाँ आकर लग जाएगा, तो जो DNA पॉलीमरेज है ना वो इसे लंबा कर देगा। लंबा करने का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, तो आपको उस सोल्यूशन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स डालने होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए हमें दरकार होती हैं, हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो DNA पॉलीमरेज का मैंने ड्रॉबैक बताया कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ सिर्फ कंटिन्यू कर सकता है और एक्सटेंड कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई प्राइमर के बगैर, ये प्राइमर बेसिकली बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये जिस हिस्से को आपने कॉपी करना है ना, उस हिस्से के स्टार्ट में जाकर बाइंड होंगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं ये प्राइमर्स। तो ये आपको लाजमी चाहिए होते हैं, इसके बगैर ये DNA की रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें कि हमारे पास जो यहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम है,
चूंकि ये काम जो होगा ये थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये आम वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, बल्कि ये हीट रेजिस्टेंट है, ये हीट इनसेंसिटिव है। ये ऐसा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकता है, तो ये थर्मोस्टेबल है, ये थर्मोलेबाइल नहीं है। ये एंजाइम कहाँ से लिया गया ये पूछ लेते हैं आपसे, ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहता है, इसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस से ये वाला एंजाइम लिया गया जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकता है। इस एंजाइम का दूसरा नाम टॉक पॉलीमरेज भी है। तो कई बार इस डीएनए पॉलीमरेज को, इस खास डीएनए पॉलीमरेज को जो कि इस बैक्टीरिया से लिया गया है, इसका दूसरा नाम टॉक पॉलीमरेज भी है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। अब एक मशीन चाहिए होती है जो ये काम करती है, इसे ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन कहते हैं या थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ये वो मशीन है, ये प्रिंटर जैसी लग रही है, ऑब्वियसली आप डीएनए की कॉपीज़ बना रहे हैं, डीएनए की प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग नहीं कर रहे सॉरी, डीएनए की कॉपीज़ बना रहे हैं, तो समझ लें फोटो कॉपियर के तौर पर। तो ये थर्मोसाइक्लर है, इस मशीन के अंदर ये सारा काम होता है। यहाँ पर ये प्रोसेस दिया हुआ है, इसके बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं एनीलिंग, और तीसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन या एक्सटेंशन। तो बहुत आसान से तीन स्टेप्स के अंदर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप, आपके पास ये है डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए आपके पास मौजूद है। आपको पता है डीएनए के अंदर एक धागा जो होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाता है, और एक धागा जो होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाता है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्या होता है ये मैं दिखा दूँ आपको। तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल डीएनए है, इसके अंदर ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 फ्री है, और यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 5 फ्री है। अब आपको पता है डीएनए के अंदर एक धागा इस डायरेक्शन के अंदर होता है, तो एक धागा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो अगर इसका 3 नंबर वाला कार्बन यहाँ फ्री है और 5 वाला कार्बन यहाँ फ्री है, तो इसके अंदर ऑपोजिट होगा, इसका 3 वाला कार्बन यहाँ फ्री होगा और 5 वाला कार्बन यहाँ फ्री होगा। तो ये इसके अंदर इस तरह से डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन के अंदर इसका जो टेम्परेचर है, इस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जाता है, 90 डिग्री तक ले जाते हैं। इस 90 डिग्री पे जाने के बाद इन दोनों धागों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो ये दोनों अलग हो गए, ये एक धागा है और ये दूसरा धागा, ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग के अंदर इसे कूल किया जाता है, कूल करके लेकर आते हैं तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लाने के बाद ये होता है कि जो प्राइमर्स ऑलरेडी डले हुए हैं इसके अंदर, वो प्राइमर्स आकर अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगे हुए हैं, जहाँ पर इनके बेस जो है वो सामने वाले बेस के साथ मैच करते हैं, वो जाकर अटैच हो जाते हैं। तो ये प्राइमर यहाँ पर अटैच हो गया, ये प्राइमर यहाँ पर अटैच हो गया। अगर ये प्राइमर्स मैं यहाँ से निकाल दूँ तो आगे का प्रोसेस हो नहीं सकता। जब ये प्राइमर्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो डीएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है इनके ऊपर। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर को जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास इलोंगेशन है। इलोंगेशन के अंदर जो वो है टेम्परेचर है, उसे दोबारा से लेकर जाया जाता है तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर के ऊपर इस एंजाइम को कुछ नहीं होता, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये वर्क करता है। ये क्या करेगा, इस ये जो प्राइमर यहाँ पर ऐड हुआ है, ये फर्दर ऐड कर देगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये धागा कंप्लीट हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐड कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये धागा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो एक डीएनए था, उससे अब आपके पास ये एक डीएनए बना और ये दूसरा डीएनए बना, तो एक डीएनए जो है ये 2 डीएनए में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से आप ये साइकिल रिपीट करेंगे। अब इन दोनों डीएनए को आप दोबारा लेके जाएंगे किसके ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये दोनों डीएनए के धागे जो है ना, इसके भी और इसके भी अलग हो जाएंगे। फिर दोबारा उसे कूल डाउन करेंगे, 55 डिग्री पे लेकर आएंगे, प्राइमर ऐड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे उसके ऊपर। उसके बाद दोबारा उसे 70 पे लेके जाएंगे और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनकी कॉपी बना देगा। तो 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, और इसी तरह से थोड़े से वक्त के अंदर आपके मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएंगी पीसीआर के नतीजे में। नाउ क्वेश्चन इज कि इस पीसीआर का फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों बना रहे हैं हम एक डीएनए से मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो क्यों बना रहे हैं। एक फ़ायदा तो बहुत सिंपल सा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मेरे पास एक सैम्पल है डीएनए का, एक मॉलिक्यूल है डीएनए का, तो मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता, मुझे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं डीएनए के टू वर्क बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उस एक डीएनए से जो है वो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकता हूँ डीएनए की, तो मेरे पास उस डीएनए की कमी नहीं होगी। सिमिलरली अगर कोई वो मिला है मुझे, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जो आज नहीं पाया जाता, लाइक फॉसिल्स हैं, फॉसिल का बहुत थोड़ा सा पीस मुझे मिला है, तो उसके डीएनए को निकाल के मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता हूँ फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग के लिए, उसके डीएनए को पढ़ने के लिए।
इसके अलावा एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि सपोज़ मैं किसी सैंपल के अंदर चेक करना चाह रहा हूँ कि फ़लाँ बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं, कोई मीट का सैंपल है या कोई कोई खाने खाने की चीज़ है जिसके अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि फ़लाँ बैक्टीरिया है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल डीएनए के अंदर से भी अपना काम का जो डीएनए ना उसकी कॉपी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्राइमर ही वो डालेंगे जो कि उस बैक्टीरिया को या उस डीएनए को टारगेट करेगा। तो आपके पास अगर 100 बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें फलां बैक्टीरिया है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाला प्राइमर डालूंगा जो उसके डीएनए पर जाकर बाइंड करेगा और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनेंगी। अगर तो कॉपीज़ बनती हैं तो मैं मुझे पता लग जाएगा कि वो मौजूद है, और अगर कॉपीज़ नहीं बनती इसका मतलब वो मौजूद नहीं है। इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसके अंदर भी पीसीआर करवाया जाता है, कोविड के वायरस का जो आरएनए है उसका पीसीआर करवाया जाता है। तो बेसिकली उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई जाती हैं और डिटेक्ट किया जाता है कि वो उसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी, अगर नहीं होगा तो कॉपीज़ नहीं बनेंगी। तो ये पीसीआर के मल्टीपल वो हैं बेनिफिट्स हैं। जीन सीक्वेंसिंग के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीन सीक्वेंस करने के लिए आपको डीएनए का बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। एक मॉलिक्यूल से डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं की जाती, आपको मल्टीपल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए आप शॉर्ट उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मल्टीपल कॉपीज़ मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनवा सकते हैं? तो वो पीसीआर है। तो आई होप ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। ये एक एनिमेशन है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन पे, मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डाल दूँ, फिलहाल तो मैं यही दिखा दूँ। बहुत आसान सी है ये एनिमेशन, इसके अंदर ये प्रोसेस आपको और समझ आ जाएगा। देखें टेम्परेचर जा रहा है 95 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 95 डिग्री के ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और ये दोनों धागे जो हैं ये डीएनए के ये सेपरेट हो गए ना। उसके बाद ये टेम्परेचर ले आए 55 डिग्री के ऊपर, 55 डिग्री के ऊपर आकर ये प्राइमर्स जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस थे वो जाकर बाइंड हो गए जहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस था। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो गया, टेम्परेचर 72 पे चला गया। अब ये इन्हें एक्सटेंड करना शुरू करेगा, दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा। अभी आपके पास एक डीएनए से दो डीएनए बन चुके हैं, दोबारा से 95 के ऊपर चले गए, दोबारा से ये सेपरेट हो गए, फिर ये दोबारा साइकिल स्टार्ट, सेकंड साइकिल चल रही है। डीएनए प्राइमर्स आकर ऐड हो गए और ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, वो बनवा दिया। अब ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी और बहुत जल्दी से मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो इसकी फॉर्म हो जाएंगी।